हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हुए हैं ताजमहल और ये देखिए भीड़ का आलम, कितनी ज़्यादा भीड़ है। निकलते हुए चाहिए टिकट? हाँ, टिकट निकलते समय चेक होता है। अभी चेक पॉइंट वगैरह सब हम क्लियर कराए हैं, काफ़ी टाइम लगा। आज 26 जनवरी है तो ओवर रश है यहाँ पे। पहले कभी शायद यहाँ पे वो लगता था ना मीना बाजार, अब तो खैर इन्होंने बाहर ही कर दिया है इनमें सब में। मीना बाजार का कुछ मैंने तो ऐसे ही सुना है कि रानियाँ ही बैठती थी और सब अपनी शॉप्स लगाती थी। ये देखिए बस ताजमहल के पास हम पहुँचने वाले हैं। आज मैं, मेरे हस्बैंड, मम्मी, हम तीनों लोग आए हुए हैं। और ये देखिए, मैं तो इतना कैप्चर भी नहीं कर पा रही हूँ। ये एक नई तरह का फूल दिख रहा है मुझे, बिल्कुल प्लास्टिक लुक में है ये तो। सुंदर है, देखिए मैं आपको फुल व्यू इसका कैप्चर करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये इसका पूर्वी गेट है वो वाला, और ये सामने दक्षिणी गेट है, और मेरे पीछे जिससे हम आए हैं पश्चिमी गेट है। आपको मैं सारा बता दूंगा, आप अभी उस वाले गेट के अंदर से हम जाएंगे तब ताजमहल हमें दिखाई देना शुरू होगा। ये देखिए, अब इसका मैं आपको एक 360 व्यूज दिखाती हूँ। ये देखिए, तो मम्मी कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। अच्छा लगा, पहली बार देखा है ना? हम लोग तो कई बार देख चुके हैं ताजमहल, मम्मी को आज हम पहली बार लेके आए हैं। मैं बचपन से देख रहा हूँ। मेरे हस्बैंड बचपन से ही देख रहे हैं, मैं तो खैर शादी के बाद ही देखा ही है। तो आज हमने प्लान बनाया कि क्यों ना ताजमहल घूमा जाए, मौसम भी बढ़िया। हाँ, मेरी ख्वाहिश थी। सबसे पहली बार मैं यहाँ पर वैलेंटाइन डे पे आई थी, और उस दिन 90% जो लोग थे, लड़कियाँ थी यहाँ पर, रेड कलर के कपड़ों में थी। देखिए आप, कितना सुंदर लग रहा है। ये इसकी मेन एंट्री है, और ताजमहल भी शायद देखिए थोड़ा थोड़ा आप लोगों को देखना शुरू हो गया होगा। आज थोड़ा मौसम वैसा है, धुंध वाला, क्लियरिटी नहीं है, विद इन क्लियर नहीं है। धूप होती तो बहुत सुंदर लगता है। ये कई फिल्मों की यहाँ पे शूटिंग भी होती है, अब तो साउथ की फिल्मों की और सीरियल वगैरह की ज़्यादा शूटिंग होती है। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा आपको देखना शुरू हुआ ताजमहल। यहाँ पे मैं बिल्कुल भी पॉज या एडिट नहीं कर रही हूँ, डायरेक्टली आपको दिखा रही हूँ लाइव। देखिए बिल्कुल धुंध सी आ गई है, क्लियर नहीं आ रहा, भीड़ इतनी ज़्यादा है, अभी भी नॉट क्लियर। ये तो दूधिया सफ़ेद है कि अभी भी क्लियर नहीं हो रहा, अब हुआ। देखिए पहले मुझे लगता था एक सिंपल सी जगह होगी, बट जब मैंने पहली बार इसको देखा तो मैं भी इसको बस एकटक देखती रह गई। देखिए дорога, аж как будто скорость. अब चलते हैं अंदर। ये बिल्कुल किताई आ रहा है, ये देखिए, एक तो मोबाइल का डर लग रहा है कि हाथ से ना गिर जाए, और भीड़ का हाल देखिए आप। अभी मुझे बिल्कुल एंड पॉइंट तक जाना है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो चलिए पहले यहाँ का प्लांटेशन देखते हैं। ये तो निकाल दे। तो ये रही वो वीडियोग्राफी, अब चलते हैं आगे। आज तो चलना भी मुश्किल हो रहा है भीड़ में।
बस सिर ही सिर दिखाई दे रहा है मुझे तो भीड़ में। और ये देखिए यहाँ की गार्डनिंग, और ये देखिए पोज की स्टाइल। यहाँ पर कोई किसी को किसी से भी कोई शर्म नहीं है, जैसे मर्जी वैसा फ़ोटो खिंचवाइए बस। चाहे वो कोई बलगड़ समझे या कुछ समझे, लेकिन यहाँ पे कोई भी शर्म करने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी जैसा मर्जी लीजिए। फॉरनर्स यहाँ पे भी खूब आते हैं, लेकिन आज तो मुझे इंडियन ही ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अच्छा सर, फॉरनर्स का ही ज़्यादा वो रहता है यहाँ पे। देख लीजिए धूप यहाँ पे हल्की है, बट फिर भी गर्मी ही है मौसम में। मैं खुद स्वेटर नहीं पहने हुए हूँ, हाथ में ही पकड़ रखा है मैंने। बस फ्लावर के नाम पे ये फूल मुझे थोड़े अच्छे से मिले हैं। अभी यहाँ पे शुरुआत है फूलों की आने की। ये देखिए ये मुझे एक नया व्यू मिला है। अब ये ताजमहल के हम और थोड़ा नज़दीक आ गए हैं। अभी भी हमें काफ़ी दूर चलना है, ये अंदर ही अंदर मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर तो हो ही जाता होगा। अभी आगे पहुंच के मैं बैक साइड में इसकी यमुना का भी व्यू दिखाऊंगी। और ये हम इतना दूर से चल के आए हैं। और ये देखिए मम्मी हमारी धीरे धीरे चल रही हैं, थकी नहीं है आज। वैसे ये ज़्यादा चल नहीं पाती हैं। देख वही साड़ी है ये। हाँ, सब अच्छे अच्छे आउटफिट में दिखाई दे रहे हैं। ये और पास से ताजमहल का व्यू बिल्कुल ऊपर जाके तो शायद मैं पूरा व्यू दिखा भी ना पाऊँ, ये इतना ऊंचा है। तो अभी तो मैं दूर से ही दिखा रही हूँ, कोशिश करूँगी कि पास से भी जाके मैं फुल इसका व्यू ले लूँ। चल रहे हैं अभी आगे। देखिए और मैं थोड़ा पास आ गई हूँ। लेफ्ट या राइट बोलिए। यहाँ पे अब कुछ ज़्यादा ही दूर चलना पड़ रहा है। अब हम यहाँ ऊपर जाने के लिए इस वाले रास्ते से घूम के जाएंगे। मतलब यहाँ अगर आना है तो पैदल चलने की अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, वरना आप थक जाएंगे या चल नहीं पाएंगे। देखिए पहले इन्हीं सीढ़ियों से चढ़ जाते थे, लेकिन यहाँ से लगा दी इन्होंने बैरिकेडिंग। बिल्कुल एंड में से जाके ऊपर चलना पड़ेगा। देखिए आप रेलिंग की यहाँ पर नक्शकारी देखिए। ये सब पत्थर को ही काट के बनाई जाती है, कोई भी जॉइंट वगैरह इनमें नहीं है, इसी को नक्शकारी बोला जाता है। और इतनी भीड़ में वीडियो बनाना भी मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है, बार बार कैमरा हिल रहा है। वहाँ गए ताजमहल की राइट साइड से, मैं भी हाँफ रही हूँ, इतना चढ़ के आई हूँ। धूप की वजह से मुझे तो क्लियरिटी कुछ कम लग रही है, धूप में तो और ज़्यादा बढ़िया फोटोग्राफ्स आते हैं, वीडियो भी बढ़िया बनते हैं। तो फाइनली हम तीन देखिए यहाँ पे बैठ गए हैं। अब देखिए ताजमहल आए हैं तो एक चीज तो करके देखते हैं। ये बना लिया हमने हर्ट, और उसके बीच में से आ गया अपना ताजमहल, ये बन गया। खूब लोग करते हैं यहाँ पे वाला कैप्शन। म्यूजियम कहाँ पे है? सामने ही ताजमहल परिसर में एक म्यूजियम भी है। ताजमहल के पैरेलल में तो एक ये बिल्डिंग बन रही है, देखिए। इसका मुझे तो ज़्यादा जानकारी है नहीं, पता नहीं इसमें क्या है अंदर। अंदर बैन भी है, अब तो सब बंद कर दिए हैं ये बैरिकेडिंग से। और ये शायद म्यूजियम है, मे बी, अभी पता करेंगे पास में जाके। और सूरज देखिए कितना बढ़िया लग रहा है।
और उस साइड में है अभी यमुना, उस साइड में आप देख के आइए, फिर चलते हैं म्यूजियम में। ये देखिए भीड़, यहाँ भी सभी कंट्री से लोग आते हैं, सभी स्टेट से आते हैं, साउथ के लोग भी यहाँ पे काफ़ी आते हैं। आज मुझे सबसे ज़्यादा साउथ के ही लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चलिए ताजमहल के थोड़ा और पास चलते हैं, मम्मी थक चुकी है इसलिए हम ताजमहल के ऊपर की साइड में नहीं जा रहे हैं, इनको नीचे से ही चारों तरफ से दिखवा देंगे। और ये देखिए, ये दोनों पता नहीं क्या कर रहे हैं बैठे हुए। अच्छा, सेल्फी रील बना रहे हैं ये लोग। मुझे तो सबके यहाँ पे पोज देखने में बड़ा मज़ा आता है, तरह तरह से। और ये देखिए, ये लोग अपनी कोई रील्स वगैरह बना रहे हैं। और ये देखिए, सब पत्थरों का ही वो है, अंदर का कुछ नहीं है, अंदर शायद दिखाई दे जाए इसमें से, सामान ही पड़ा हुआ है। ये वाले सारे रूम बंद कर रखे हैं, इसमें रूम है लाइन से, इसके अंदर से ही ओरिजिनल जो कवर है उसमें जाने का रास्ता है। ये सब देखिए पत्थरों पर ही काम है, ये सैकड़ों साल पुराना। एक रूम ये भी है, ये भी बंद है, क्यों ऐसे कट 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 करके। और आप देखिए, ये आ गए हम यमुना किनारे, और ये बिल्कुल एकदम रिपेयरिंग कर दी इन लोगों ने, ऐसा था ये काला, और ये गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से रिपेयरिंग कर दी। ये पत्थर का कलर फेड पड़ गया है, फेड नहीं पड़ा, ये रिपेयरिंग की होगी, रिपेयरिंग नहीं की, ये फेड पड़ा हुआ पत्थर। और ये रहा यमुना, और वो सामने है मेहताब बाग, यानी ताजमहल की बैक। सारी शूटिंग्स जो यहीं पर होती हैं, फिल्मों में जितनी है, ताजमहल में कोई भी शूटिंग्स अलाउ नहीं है। ये व्यू तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। ये सब बैरिकेडिंग्स लगा रखी हैं, और ये जो ग्राउंड है इसमें इस साइड में रूम्स भी बने हुए हैं जो परमानेंट ही बंद हैं, जो शायद नाव से लोग पुराने ज़माने में आते होंगे, और नीचे ही नीचे ताजमहल में जाने का रास्ता है। इधर साइड में ये स्टील रेलिंग लगा दी है, वैसे पहले लोग यहाँ तक आते थे लेकिन कुछ लोग गिर जाते थे या जानबूझ के सुसाइड वगैरह कर लिया, तो इसलिए ये जगह इन लोगों ने बैन कर दी है बिल्कुल। और ये देखिए इस साइड में देखिए, यहाँ पे लिख भी रहा है कृपया रेलिंग से दूरी बनाए रखें, इतनी मजबूत भी नहीं है। सेम बिल्डिंग इधर भी है, ये वाला रास्ता यमुना में ही जाता है ना, ये रास्ता यमुना में ही जाता है। पहले यहाँ पे लोग पैसे डालते थे कि कोई कवर हो गया कोई, अब सब डाल नहीं रहे, डाल रखे हैं फिर भी कितने सारे सिक्के डाल रखे हैं इसमें। तो ये रहा लास्ट, बस अब मैं अपना ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ, काफ़ी बड़ा हो गया है ये। बस यहाँ से हम निकल के सीधे बाहर चले जाएँगे, और ये देख लीजिए आप लोग एक बार फिर ताजमहल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।